अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत पुरउम्मीद कि मेरे क्लास 10 के तमाम स्टूडेंट्स बख़ैर आफियत हैं और छुट्टियों को न सिर्फ एक एंजॉय कर रहे हैं बल्कि साथ साथ कहीं ना कहीं फ़िक्रमंद भी हैं, चूँकि एग्ज़ाम्स आपको पता है कि बहुत अनकरीब हैं। और जैसा कि एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बात वाजे की है कि एग्ज़ाम तो होगा, लिहाजा मुझे यकीन है कि तमाम स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कंसर्न भी हैं और तैयारियों में मसरूफ़ अमल हैं। हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हम अपने तौर पर आप तक तमाम तरह चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में पहुंचा सकें, लिहाजा हमने आपके लिए एक मरतबा फिर क्लास 10 के फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 11 के, जिनका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, को प्रिपेयर किया। ये इसका सेकंड पार्ट है, लेक्चर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आप तक पहुँचाए थे, आज हम मज़ीद न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहे हैं क्लास, इस उम्मीद के साथ कि आप भरपूर तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल इसको लाइट नहीं लेंगे, बल्कि जिस तरह से अप्रिसिएशन आपकी तरफ से हमें मिलती रहती है उस तरह से इंशाल्लाह आगे भी मिलती रहेगी। जनाब, मेरे पास जो आज का पहला सवाल है वो है 11.3, कहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास दर्जे हरारत पर, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, साउंड की जो रफ्तार होती है हवा में वो होती है 330 ms-1। कहता है इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज़ 5 cm, कह रहा है अगर उसकी वेवलेंथ 5 cm है, कैलकुलेट करें क्या फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी को, और ये बताएं इज दिस फ्रिक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर। क्या कह रहा है ये भी बताएं कि जो ये फ्रिक्वेंसी आएगी क्या ये ह्यूमन एयर के ऑडिबल रेंज में है। बहुत आसान सवाल, आगाज़ करते हैं क्लास। हमने सबसे पहले डेटा लिखा, हमें सबसे पहले चीज़ जो गिवन है वो है स्पीड यानी कि वेलोसिटी। तो हमने लिखा v इज इक्वल्स टू 330 ms-1। इसके बाद फिर जो हमें नेक्स्ट चीज़ गिवन है वो है वेवलेंथ, तो हमने मेंशन कर दिया लैम्डा। आपको पता है वेवलेंथ को लैम्डा से शो किया जाता है, तो हमने लिखा लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 cm। हमने चूँकि सेंटीमीटर में लिखा है बिकॉज दैट इज़ गिवन, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा 5 cm इज इक्वल्स टू 5/100। अच्छा जनाब, 100 से हमने डिवाइड क्यों करवाया, उसकी वजह ये है कि हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मीटर में, लिहाजा 100 से डिवाइड करवाएंगे तो ये बन जाएगा 5/100 इज इक्वल्स टू 0.05 meters। ठीक हो गया। फिर कहता है कि फ्रीक्वेंसी निकाल लो यानी कि एफ इज इक्वल्स टू ?" आगे चलते हैं जनाब, बहुत आसान न्यूमेरिकल, लिहाजा हमने फॉर्मूला लिखा, किसी भी वेव की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है क्लास v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। चूंकि हमें v गिवन था, हमने v को लिखा 330 इज इक्वल्स टू एफ, एफ को हमने ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई लैम्डा की जगह हमने 0.05 या फिर 0.05 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, चूंकि हमें f निकालना है लिहाजा हमें f को तनहा करना पड़ेगा, f के पास कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है, सिर्फ एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है वो है 0.05, तो जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में है उसको नीचे ले आऊँगा, किसके नीचे, इज इक्वल टू के इस तरफ जो वैल्यू है उसके नीचे, लिहाजा 330/0.05 हो जाएगा। हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 660 इज इक्वल टू f, लेकिन चूँकि ये ऑर्डिनरी फॉर्म में है हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, लिहाजा आपको पता है कन्वर्ट करने का सब कुछ मेथड आपको सिखा चुके हैं, ये बन जाएगा 6.6 × 10³ इज इक्वल्स टू एफ, इसको ट्विस्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल्स टू 0.6 × 3 Hz। ठीक हो गया। अच्छा भाई, नीचे हमने क्या लिखा, नीचे हमने लिखा येस दिस इज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर। ये हमने कैसे तय किया, हम आपको बता चुके हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो फ्रिक्वेंसी रेंज सुनने की सलाहियत दी है वो है 20 Hz से लेकर 20,000 Hz तक, लिहाजा जो वैल्यू हमारे पास आई थी ये तो था सिर्फ और सिर्फ कितना 660 Hz। अच्छा, इसके अंदर एक चेंजिंग है उसको हम मुलाहजा करते हैं ज़रा, और यार क्लास आगे चलते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा एडिशन करना है जो कि कैलकुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, 330 को जब हम 0.05 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो होता है 6600 यानी कि 6600। ये आप एडिशन कर लेंगे एक जीरो का, अब जब ये वैल्यू बनेगी तो ये बनेगी 6.6 × 10³। ठीक है ना जनाब, तो ये तमाम तरह चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं क्विकली, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वो क्या है, वो है 11.4।
कहता है डॉक्टर काउंट 72 हर्ट बीट्स इन वन मिनट। एक डॉक्टर है जो काउंट करता है 72 हर्ट बीट्स एक मिनट के अंदर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हर्ट बीट्स, कह रहा है कैलकुलेट करो किसको, फ्रीक्वेंसी को और हर्ट बीट्स की पीरियड को। हमने सॉल्यूशन देखा, सबसे पहले हमें दिया हुआ 72 हर्ट बीट, यानी ये 72 काउंट्स है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ काउंट्स इज इक्वल्स टू 72। ठीक है जनाब। फिर जो हमें टाइम दिया हुआ वो है वन मिनट, हमने शो कर दिया टाइम इज इक्वल्स टू वन मिनट। अच्छा, चूंकि मिनट में है, मिनट स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है जनाब, वो है सेकंड्स। लिहाजा हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा वन मिनट। आपको पता है सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, तो इट विल बिकम वन मल्टीप्लाई बाय 60 एंड दैट विल बी इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। आगे चलेंगे, उसने फ्रीक्वेंसी निकालने को कहा है तो हम लिख देंगे एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। साथ ही उसने कहा है कि टाइम पीरियड भी निकालें, तो ये बन जाएगा कैपिटल टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें हमारे पास आ गई, बहुत आसान न्यूमेरिकल, इंतहाई सिंपल। जनाब हमने फॉर्मूला लिखा टाइम पीरियड का, क्या होता है टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम अपॉन नंबर ऑफ काउंट्स। बहुत सिंपल, हमने टाइम लिखा जो कि हमें गिवन था दैट वाज 60, हमने नंबर ऑफ काउंट्स लिखा जो कि गिवन था दैट वाज 72। हमने जब इसको डिवाइड करना है तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो है 0.83 या फिर 0.83 सेकेंड्स। ठीक हो गया। फिर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है जनाब, एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ काउंट्स अपॉन टाइम। नंबर ऑफ काउंट्स गिवन था हमें दैट वाज 72, टाइम हमें गिवन था दैट वाज 60, हमने इसको डिवाइड किया एंड वी गॉट द आंसर दैट इज 1.2 हर्ट्ज़। इस तरह हमने इस सवाल की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत आसान अंदाज में आप तक मजीद न्यूमेरिकल्स पहुँचाए, पुर उम्मीद भी हूँ साथ साथ कि आप इसकी तैयारी भी करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर खिदमत होंगे मजीद आसान आसान से न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।